बिहार में एक बार फिर से अपराध की एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ अररिया में गुरुवार की सुबह पत्रकार विमल कुमार को गोली मार दी गई। अपराधियों ने घर में घुसकर पत्रकार विमल कुमार को गोलियों से भून दिया। 4 साल पहले पत्रकार विमल के छोटे भाई शशि भूषण यादव उर्फ गब्बू यादव की भी ऐसी ही गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में अभी ट्रायल चल रहा है, जिसकी सुनवाई आने वाली 19 अगस्त को होनी थी, जिसमें विमल कुमार की गवाही थी। विमल कुमार अपने पीछे एक बेटा जिसकी उम्र 15 साल है और बेटी जिसकी उम्र 13 साल है उसे पीछे छोड़ गए। बताया जा रहा है कि अररिया में पत्रकार के घर में सुबह ही 4 लोग पहुंचे थे और विमल कुमार जो कि रानीगंज में दैनिक जागरण के पत्रकार थे, उन्हें पहले दरवाजे पर बुलाया गया और उसके बाद गोलियों से भून दिया गया। विमल यादव सुबह घर में थे और बाहर से आवाज़ देने के बाद वो दरवाजा खोलने जैसे ही पहुंचे तो 4 बदमाशों ने उन्हें घेर कर गोलियों से भून डाला। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रानीगंज बाजार इलाके में तमाम लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है, साथ ही जांच जारी है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। अररिया के SP अशोक कुमार ने बताया है कि अपराधियों की गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की जा रही है। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ देते हैं, आवाज़ देने पर निकलते हैं उनके बाहर और वो गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। घटनास्थल पर ऑफिसर डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, वहाँ पर वरीय पदाधिकारी जो इंस्पेक्टर स्कैन कर रहे हैं, अनुसंधान के लिए कार्रवाई चल रही है और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। सर, घटनास्थल पर सर जिंदा गोली भी बरामद हुई है? खोखा मिला है, एक ही गोली चली है जो उनके राइट साइड में सीने में लगी है और एक खोखा भी बरामद हुई और हम लोग बहुत जल्द इस पर अपराधियों का पहचान हो पाया है क्या, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वही विमल कुमार के मामले में CM नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पत्रकार को इस तरह मारा जाना बेहद दुखद है, मामले की जांच हो रही है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। ये दुखी बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। इस घटना के बाद बिहार के ADG JS गंगवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों ने छोटे भाई के साथ हुई घटना से ही इस घटना को भी जोड़कर देख रहे हैं। पारिवारिक झगड़ा क्या है उसको लेकर जांच होनी है। विमल कुमार की जल्द ही कोर्ट में गवाही होनी थी लेकिन उससे पहले ही उन्हें मार दिया गया। पूरे मामले की जांच हो रही है, जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज थाना के अंतर्गत पत्रकार विमल यादव को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके दरवाजे पर जाकर आवाज देते हुए बाहर बुलाया गया, जिसके बाद अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनको गोली मार दी गई जिससे उनकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रानीगंज थाना पुलिस द्वारा शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना स्थल पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए FSL एवं डॉग स्क्वाड की टीम घटना स्थल पर बुलाई गई है और जो संभवतः वहां पहुंच गई है। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक स्वयं गए हुए हैं, उनके द्वारा सारे मामले की तहकीकात की गई है। अभी तक जो मामला प्रकाश में आया है उसके अनुसार, उनके परिजनों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, ऐसा लगता है कि वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गब्बू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ साक्षियों की गवाही चल रही थी जिसमें मृतक भी गवाह थे जिनकी गवाही होनी शेष थी। परिजनों द्वारा प्रथम दृष्टया उस उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की गई है। वरीय पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अररिया स्वयं घटनास्थल पर जाकर के पूरे मामले की तहकीकात करें, शीघ्र ही इस मामले में हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे।
बिहार में पत्रकार के साथ हुई इस बड़ी वारदात के मामले में पुलिस ने भले ही मुकदमा दर्ज कर लिया हो, लेकिन पत्रकार संघ सरकार से बेहद नाराज हैं और उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की। पत्रकारों ने विमल कुमार के मामले में जिले की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार से परिवार वालों की सुरक्षा की मांग की। पत्रकारों ने जुलूस निकालकर विमल कुमार मामले में जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।